हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे। तो मेरे दोस्त, आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, आप लोग पढ़े होंगे। तो उसमें एक टॉपिक है क्रिस्टल सिस्टम, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। तो उसके लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं जिसको आप सुपर हिट ट्रिक कह सकते हैं। आज के बाद क्रिस्टल सिस्टम में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। आपके परेशानियों को हल करने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक आपके सामने लेके आए हैं। वह ट्रिक क्या है, देखिए आप लोग, बहुत ही मजा आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। देखा जाए, लिखा हुआ है आपका क्रिस्टल सिस्टम एज लेंथ एक्सियल एंगल। कहने का मतलब है एज लेंथ किनारे की लंबाई, एक्सियल एंगल यानी अक्षीय कोण। तो ये बात आप लोग जानते हैं कि क्रिस्टल जो होता है वह सात टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? टोटल सेवन टाइप का होता है। एक ट्रिक के द्वारा हम समझते हैं कैसे क्या होगा। तो ट्रिक है क्विट आवर मदर, आप बोल सकते हैं हमारी प्यारी मां। एक एक स्टेप को थोड़ा अच्छा से देखिएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि सी यू क्यूबिक टी टेट्रागोनल आवर ऑर्थोम्बिक एम ओ मोनोक्लिनिक टी ट्राइक्लिनिक एच ई हेक्सागोनल आर रोम्बोहेड्रल। ठीक, चलिए मेरे दोस्त, एक बार फिर देखा जाए ट्रिक क्या है। क्विट आवर मदर, सी यू क्यूबिक टी ई टेट्रागोनल आवर ऑर्थोम्बिक एम ओ मोनोक्लिनिक टी ट्राइक्लिनिक एच ई हेक्सागोनल आर रोम्बोहेड्रल। ठीक, अब जानते हैं इसके किनारे के बारे में। ए बराबर बी बराबर सी, 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 ए बराबर बी बराबर सी। टोटल कितना है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। कितना है? सेवन है। ठीक, अब देखिए और है क्या। मेरे दोस्त, हम बात कर रहे थे इसके एज लेंथ यानी किनारे की लंबाई की। तो देखा जाए, इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, एक ऊपर छोड़ देना है, एक नीचे छोड़ देना है, दो नंबर को काट लेना है एक एक। ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर छोड़ देना है, एक नीचे छोड़ देना है। ऊपर से दो नंबर ही काट देना है, नीचे से दो नंबर क्या करना है? काट देना है। उसके बाद मेरे दोस्त, सबको काट देना है। क्या करना है? सबको काट देना है। तो देखिए, कर एक क्विट आवर अल्फा बीटा गामा क्या होता है? समान होता है। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? समान होता है। आप बोल सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आप बोल सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये कह रहा है क्या कि बी एन 23। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, कह रहा है क्या बी बी फॉर बीटा यानी मोनोक्लिनिक में सब बराबर होगा लेकिन बीटा बराबर नहीं होगा। तो हो जाएगा अल्फा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री। सब बराबर होगा लेकिन बीटा बराबर नहीं होगा। अब बात करते हैं टी टी फॉर ट्राइक्लिनिक। यहां पर लिखा हुआ है एन एन फॉर नॉट,
यानी सब बराबर नहीं होगा। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, सबको काट देना है। क्या करना है? सबको काट देना है। अब देखिए बोल रहा है कि एच ई यानी क्या, हेक्सागोनल, तो यहां क्या लिखा हुआ है, दो, इसमें कितना बराबर होगा, दो बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू 90 डिग्री और गामा जो हो जाएगा, तो मेरे दोस्त थोड़ा ध्यान से देखिएगा, दो लिखा हुआ है, यहां क्या लिखेंगे, दो, तीन में से दो जाएगा एक और जीरो अपने मन से, तो गामा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब बात करते हैं आर, आर क्या, रोम्बो हेड्रल, इसमें क्या होता है, यह कह रहा है कि तीनों बराबर नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री, यानी अल्फा बीटा जो होता है वह तो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है, लेकिन गामा जो होता है वह 90 डिग्री नहीं होता है। तो ये था मेरे दोस्त एक बेहतरीन ट्रिक आप लोगों के लिए क्रिस्टल सिस्टम का। इसको अच्छा से देखिए, समझिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। ठीक, फिर मिलेंगे दूसरे ट्रिक में।